اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويصلي لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد सभी लोगों को मेरा वालेकुम व वा आज जो मैंने आयतों का आज जिन आयतों को जो है हम लोगों को पढ़ना है और जो सीखना है वो आयत नंबर दस से लेकर के आयत नंबर सोलह तक है यानी कि इन आयतों में अल्लाह ताला ने के लिए किन किन नमतों का ज़िक्र किया है और उसी तरीके से इन आयतों के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहा है इन और हमें क्या बता रहा है हम लोग वो जानेंगे इन शे अल्ल त करम ही है अलहद ला सूम अलहमदल अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस तरीके से जो है अपने अपने घरों में रह करके दीन की बातें सीखने की जो है अल्लाह ताला ने तोफ़ी तरमाई है इसीलिए अल्लाह ताला से ये दुआ है हमेशा और ये दुआ रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा हमें जो है अपने दीन से आ, दीन का कुछ ना कुछ हिस्सा रोज़ाना हमें सीखने की अल्लाह तोफ़ी फरमाए और इसी तरीके से अल्लाह ताला हमारे लिए हर वक्त मदद के लिए तैयार है आयत नंबर दस कल नौ तक हम लोगों ने किया था और आज आयत नंबर दस है वल वल्दौदा यहाँ से कल अल्लाह ताला ने आसमान में और ज़मीन में लोग जो हैं जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला के कंट्रोल में हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के हुक्म के मुताबिक ही चलते हैं इस बात का जिक्र कल अल्लाह ताला ने आ, कल की आयतों में किया था और आज अल्लाह ताला ने जो है अब इंसानों के ऊपर अपना जो नेमत है उस नेमत का जिक्र यहाँ करते हुए आ, फरमाया वलआवनामामम अल्लाह ते ज़मीन को बिछा दिया है अल्लाह तै ने ज़मीन को बिछा दिया है किसके लिए लिलानाम कह गया है अनाम का मतलब होता है हर वो चीज़ जो जानदार हो यानि कि जिसके अंदर जान है वह तमाम जान वाली चीज़ों के लिए अल्लाह ते ज़मीन को बिछा दिया है हालाँकि पूरी दुनिया जो है एक सर्कल है एक राउंड है मगर उसके बावजूद भी जब हम लोग इस दुनिया को देखते हैं तो ये हमारे कदमों के नीचे बिल्कुल सीधी हमें नज़र आ रही होती है यानी कि ये फ्लैट हम लोग को नजर आ रही होती है इसको जो है राउंड होने के बाद भी सर्कल होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने जो है इसको इस तरीके से बिछाया है कि यहाँ लोग रह सकते हैं घरों को बना सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं खेती कर सकते हैं आ, अन वगैरह जो है वहाँ से उपजाऊ कर सकते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए और दीगर मखलूक़ के लिए जो जानदार हैं उसके लिए अल्लाह ताला ने इस तरीके से ज़मीन को बनाया है पैदा किया है कि इससे जो है हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा लगा करम है अगर मान लीजिए जिस तरीके से ये गोल है अगर ज़मीन भी उसी तरीके से जगह जगह उठी हुई हो और इसी तरीके से सर्कल सर्कल स्तर ज़मीन हो जाए और हम लोग को यहाँ बैठना पड़े Uh, तो मान लीजिए इस तरीके से यहाँ बैठना पड़ जाए तो कैसे हम लोग घरों को बनाएंगे कैसे हम लोग जो है खेती करेंगे और उसी तरीके से कैसे जो है दिग्गर ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब का अल्लाह ताला ने जो है ज़मीन को बनाया है और उसकी तख्लीक की है और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है तहाँ इस तरीके से हम लोगों को सिखाया है कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने तुम लोगों को जो है तुम तुम लोगों के लिए बिछा दिया है इसलिए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ने तुम लोगों के लिए वरना अगर अल्लाह ताला इस जमीन को ना बिछाता इसको गोल ही हर हिसाब से गोल रख देता तो फिर कैसे बात बनती और यही दुनिया गोल होने की वजह से जो है लॉजिकली बात समझ में आती है इससे हम लोगों को एक साइंस आ, एक साइंस का भी जो है मामला हल हो जाता है इसमें और वो मामला ये है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को बनाया इसको गोल बनाया तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि हर जगह अलग अलग सूरज ग्रूब होता है और हर जगह अलग अलग सूरज तुलु होता है यानी कि हर जगह हर पूरी दुनिया में एक ही बार सूरज गुरूप भी नहीं होता और पूरी दुनिया में एक ही बार सूरज तुलु भी नहीं होता है इससे ये समझ में आता है कि आज कहीं सूरज रहता है तो कहीं चाँद रहता है तो इससे जो है इस बिल्कुल बैलेंस में अल्लाह ताला ने बना रखा है बिल्कुल बैलेंस है अल्लाह ताला का ये जो है और पूरा सुर रहमान में बैलेंस हम लोग को देखने को मिलेगा और बार बार इनशाला मैं इस बात का कर जिक्र करूँगा कि कि किस तरीके से अल्लाह ताली ने दुनिया को बैलेंस करके जो है बना के रखा हुआ है इन वो बात आएगी ज़रूर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी इन शाला मैं उसका जिक्र करूँगा मगर यहाँ हम लोग को ये देखने की ज़रूरत है कि इस तरीके से अल्लाह तला ने दुनिया को बैलेंस कर रखा है इस तरीके से अल्लाह ने दुनिया को बैलेंस कर रखा है कि यहाँ पर जो है हर दुनिया पूरी दुनिया में एक ही बार सूरज नहीं निकलता और पूरी दुनिया में एक ही बार गुरुब नहीं होता है इससे ये समझ में आता है कि पूरी दुनिया में एक ही दिन जो है ना रमज़ान शुरू होना चाहिए और ना ही ईद शुरू होना चाहिए जिस तरीके से बाज़ लोग ये कहते हैं कि पूरी अगर एक जगह चांद दिख जाए तो पूरी दुनिया को जो है मान लेना चाहिए कि अब जो है चांद दिख गया है और अब महीने का शुरुआत कर दिया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है कुछ हिस्सों के लिए रखा है और दूसरे हिस्से के लिए दूसरी चीज़ रखी है जैसे एक एक हिस्से के लिए जो है महीने का शुरुआत रखा है तो उसी दिन दूसरे हिस्से में महीने का आखिरी दिन हो सकता है तो इस तरीके से जो है अगर हम लोग देखें तो इससे हम लोग का ये मामला भी हल हो जाता है कि क्योंकि दुनिया गोल है इसलिए इस तरीके से जो है पूरी दुनिया में एक साथ न सूरज निकलता है न एक साथ सूरज डूबता है वल्लव आह लनाम मगर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को देखते वक्त जो है इसको फ्लैट जैसा बनाया है हालांकि ये गोल है मगर फ्लैट जैसा बनाया है ताकि इंसान आसानी से इसमें रहन सहन कर सके फी हा फे तू वन नखलमाम अब उसके बाद फरमाया गया कि वहाँ जो है फल है फल है वन नखल नखल कहते हैं आपको खजूर के दरख्त को मगर यहाँ यह भी फल ही है खजूर का दरख्त भी फल ही है दातलकम बगर उसकी एक सिफ़त यानी कि खजूर को जो है तमाम फलों में जो है बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है यानी कि इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्लाह के अलैहि आ सलाम ने करार दिया है ये खजूर जो है ये तमाम फलों में बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाल, वाला फल है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त हम लोग को देना पड़ेगा आज हो सकता है वक्त थोड़ा लंबा में ले लूँ आप लोगों का क्योंकि आज बहुत सारी बातें हैं जिसको खुल करके बयान करना है और हम लोगों के पास दिन भी कम है इसलिए आज मैंने सोलह आया तक जो है रखा है वरना मुकम्मल नहीं हो पाएगा फ़ी हाँ फ़ा के हतु व नखल लखमाम और इस ज़मीन में अल्लाह ताला ने तमाम किस्म के फल रखे हैं फाकिया कहते हैं आपको वो उस किस्म के फल जो खाने के बाद इंसान को दिली तक सुकून मिलता है और खुशी मिलती है क्योंकि फ़ीहा फा, का, का मतलब जो है आपको सुकून भी होता है एक किस्म की जो है खुशी जो अंदर से जो खुशी आती है इंसान को जो खुशी मिल रही होती है वो ये वो है तो फकीह हाँ का मतलब यह है कि यह अंदरूनी जो खुशी होती है यानी कि फल को खाने के बाद जो हम लोग को अंदरूनी खुशी मिल रही है अलहमद ला ओ ये उसी बात की तरफ इशारा है यानी कि यह हम लोग को बताया जा रहा है कि उसी नाम से जो है फल रखा गया है वरना फल सिर्फ फल के लिए जो है फल कमर लफ्ज इस्तेमाल होता है मगर यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि यहाँ ये बताना मकसद है कि इंसान को जो है वो फल वो फ्रूट्स खाने के बाद वो चीज़ें खाने के बाद जो है एक किस्म की खुशी दिल दिली खुशी मिलती है और वो खुश होता है ये फ़के का जो है अरबी में हंसने को मुस्कुराने को भी कहते हैं तो यानी कि इंसान मुस्कुरा उठता है खा करके खुश होकर के जो है वो उसका चेहरा खिल उठता है और इससे ये बात समझ में आती है कि अलहमदिल्ला तौ कितनी अच्छी नियमत बनाई है जो खाने में भी टेस्टी है और जिस उसका फ़ायदा भी हम लोग को मिल रहा होता है तो ये इससे बड़े इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की क्या हो सकती है फी हाँ फाकी हाँ यहाँ जिक्र आ चुका है फलों का उसके बावजूद भी आगे जिक्र आ रहा है वन नखल यानी कि खजूर का दरख्त अकमाम ज़ाकमाम जो आपको आ, कवर में कवर के अंदर है खोल के अंदर है यानी कि ये इस तरीके से अल्लाह ताला ने उसका निज़ाम चलाया है कि खोल के अंदर से ही वो पैदा होते हुए बाहर निकल आता है और तमाम बाकी चीज़ों को भी देखिए बहुत सारे फल ऐसे हैं जो खोल के अंदर ही रहते हैं और उसके बाद हम लोग उसको खा रहे होते हैं मगर बहर कैफ़ यह मकसद ये है कि ख़ूबसूरती और पैकेजिंग की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहा है कि व नख़ल और खजूर का दरख्त है ज़ात अकमाम जो खोल के अंदर रहता है जो कवर के अंदर रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ला फ़ुम ये इस तरीके की खूबसूरत बात है कि ये हम लोग का एक मैसेज हम लोग को ये दे रही है कि वो चीज़ जो पैकेजिंग के अंदर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा एट्रेक्टिव होती है मगर उस मुका उस चीज़ के मुकाबले में जो खुली हुई होती है ये फोकस इस बात के है, इस, इस बात पे है कि अल्लाह ताला जो है पैकेट पैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उस उसका न्यूट्रिशन भी बाकी रहता है उसकी बा, बाकी चीज़ें भी बाकी रहती हैं और वो बिल्कुल जो है जब आप हम लोग पैकेट को खोलते हैं तो वो यूज़ के लायक होता है तो उसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि कवर कव कवर अप करना ढकना इसी तरीके से छुपाना ये चीज़ें जो हैं और जो खोल है वो कितनी अहमियत रखती है अपने अंदर इससे हम लोगों को बहुत बड़ा मैसेज मिलता है जिसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को रखें जब हम लोग घर में खानों को रखें तो उसको ढक कर के रखें कभी कि भी किसी भी खाना को जो है खाने के बर्तन को खुला ना रखें यह सुन्नत के भी ख़िलाफ़ हैं और ये जो है ख़ूबसूरती के भी खिलाफ हैं और जो बर्तन खुला हुआ होता है उसके अंदर का उसके भीतर का जो खाना होता है उसे यूज़ ना किया जा बेहतर है क्योंकि उसमें जम्स वग़ैरह घुस चुके होते हैं फिर उसको जो है यूज़ करना सही नहीं होता है तो हर वो खाने की चीज़ जो ढकी हुई हो तो आप उस हम लोग उस चीज़ को यूज़ करें और जो ढकी हुई नहीं है तो उसे अच्छी तरीके से धोकर के इस्तेमाल में लाना चाहिए वरना अगर इस्तेमाल धोने की गुंजाइश नहीं है तो ऐसे खानों को इस्तेमाल ही ना करें क्योंकि वो खुला रहने की वजह से जो है वो प्रदूषित तो हो चुकी होती हैं और वो उसकी वजह से हम लोग जो है हम लोग ख़ुद भी बीमार पड़ सकते हैं और घर में हमारे बच्चे बच्चे भी जो है वो बीमार पड़ सकते हैं अब यहाँ अगली आयत है वल वल्बुलआफी वर्री ख़ान और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने ऐसे बीज वगैरह बनाए हैं जो भीतर जाने के बाद जो है वो उसका बाहर जब निकल आता है बीज जब भीतर जाता है तो बीज अंदर जाने के बाद वो जो बाहर निकल के आता है तो फिर वो कभी आ, कभी वो जो है इंसानों के इस्तेमाल के लिए होता है ना वल्हबाफी वर्री ख़ान यानी कि वो और ये यहाँ पे जो बात बताई गई है वो कौन है यानी कि जब वो कौन बनता है तो उस जब वो फलता है तो वो फलने के बाद जो है क्या उसके हाँगा बिंगा भी होते हैं और वो जो है आपको खुशबू भी दे रहा होता है यानी कि इसका डल पर्पज़ यहाँ भी मकसद बताया जा रहा है देखिए इस सूरज के अंदर अल्लाह ताला हर जगह हर चीज़ के लिए दो दो बातें ला रहा है ऊपर सूरज और चाँद की बात किया था उसके बाद नीचे आकर के जो है अल्लाह ताला ने बात किया है किस चीज़ की बात की है ज़मीन और आसमान की बात की है यानी कि ज़मीन को बनाया फिर तराजों को बनाया और उसके बाद जो है फिर अब बात आई ज़मीन की बात आई तो ज़मीन को बनाया तो किसके लिए बनाया जो जीवन रखते हैं उसके लिए बनाया उसके बाद फ़ीहा फाकिया कहा उसके अंदर जो है फलों के लिए उसके अंदर फलें हैं इस तरीके से बताया बता दी उसके साथ फिर एक और चीज़ का भी जिक्र कर दिया वन नख्ल खजूर के दरख्त का भी जिक्र कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ आकर के जो है इस बात का जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला कि कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो अंदर जाने के बाद बाहर जब निकलते हैं जब उससे फलना शुरू होता है तो उसके अंदर जो है आपको हाँगा भी होता है यानी कि दिखने में ख़ूबसूरत भी होता है वर ख़ान और उसके अंदर जो है खुशबू भी होती है यानी कि ये बहुत ही खुशबू देने वाली चीज़ होती है जैसे अगर हम लोग ले लें रोज़ को तो रोज़ का मकसद या फूलों का फूलों का मकसद क्या है वो उसमें जा करके के जो है बीड़नी बैठे उसमें से जो है रस ले और जा करके के जमा करके फिर अपना हनी बनाए यानी कि आपको शहद बनाए ये उसका मकसद है असल में देखा जाए तो फलों का मगर इस तरीके से अलग अलग खुशबू में अलग अलग रंग में उसको बनाने का मकसद हमें साफ पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें साफ़ पता चलता है कि किस तरह की कारीगरी है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की किस तरह की कारीगरी है कि अल्लाह ताला ने एक तो उसका जो मकसद है वो मकसद भी पूरा करा दिया है प्लस उसको इतना खूबसूरत और खुशबूदार बना दिया है कि उससे तमाम मखलूक़ा जो है फ़ायदा ले सकते हैं इंसान भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं हालांकि उसका मकसद क्या होता है कि जो बिरनी जाए जो शहद वाली बिरनी होती है वो जाए शहद की मक्खी वो जाए उसमें से रस चूसे और जा करके के जो है शहद बनाए अलहमदिल्ला ये अल्लाह ताली का करम है ये बहुत बहुत बड़ा अल्लाह ताला का करम है हम लोगों के लिए कि वो अपने मकसद को भी पूरा कर रहा है प्लस देखने वालों को भी जो है वो खुश कर रहा है और उसी तरीके से उसके अंदर खुशबू भी है ताकि जो सूंघ रहे होते हैं उनको भी जो है बहुत एक किस्म की खुशी जो है भीतरी खुशी मिल रही होती है तो यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंसान के सेंसेस को इंसान के अंदर जो सेंस अल्लाह ताला ने रखा है उसको अल्लाह ताला किस तरीके से संबोधन करता है किस तरीके से एड्रेस करता है देखिए चीज़ों को इस तरीके से अल्लाह ताला ने बनाया है इस तरीके से पैदा किया है कि उसके अंदर उसका मकसद भी होता है उसके अंदर उसका मकसद भी पूरा होता हो रहा होता है यानी कि उसको इस अंदाज से अल्लाह ताला ने रखा है कि उससे उसका मकसद भी पूरा हो जाए प्लस उससे जो एक्स्ट्रा जो फ़ायदा होना चाहिए वो भी मिल रहा होता है तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को देखें तो उस चीज़ से हमें किस तरीके का फ़ायदा मिल रहा है और किस तरीके से हम लोग जो है उससे दूसरे फ़ायदे भी ले रहे हैं जो असल उसका मकसद है वो भी पूरा हो रहा होता है और उससे दूसरे भी फायदे हम लोगों को मिल रहे होते हैं तो ये हम लोगों के लिए एक मैसेज है जैसे कल मैंने बताया था कि अल्लाह ताला हमें ज़मीन और आसमान को दिखा करके कहता है कि वो उस उस जैसा तुम लोग अपने अंदर भी जो है ख़ूबी लाओ तुम लोग उस जैसी खुश खूबी उस जैसा नेचर अपने अंदर भी पैदा करो तो यही यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही बात हम लोगों को दिखा रहा है और सिखा रहा है एक तो ये है कि नेमत के तौर पर अल्लाह ताला बता दिया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें तुम लोगों के लिए हम लोगों ने दुनिया में हमने दुनिया में बनाया है प्लस अब उसके साथ साथ जो है हालाँकि इसका मकसद ये है मगर इससे तुम लोग ये, ये फ़ायदा भी ले रहे हो तो ये होता है कि डुबल पर्पस कहते हैं ना कि बहुत सारा फायदा है एक चीज़ से निकालना ये मकसद होता है अल्लाह ताला बखूबी उस काम को करता है तो वही चीज़ अल्लाह ताला हम लोगों से भी जो है अपील कर रहा है हम लोगों को भी जो हम लोग भी उसी तरीके से जो है चीज़ों का फ़ायदा उठाएं खास कहा जाए तो इस्लाम को अपनाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लोग इस्लाम अपनाते हैं तो हम लोग का असल मकसद जो अल्लाह की इबादत है वो भी पूरी हो जाएगी और इसके साथ में जो है जब हम लोग इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो दुनिया भी हम लोगों की खुशगवार हो जाती है और आखिरत भी जो है अल्लाह ताला हम लोगों का खुशगवार बना देता है ये डायरेक्ट मैसेज है हम लोगों को इस्लाम अपनाने का तो ऐसा काम किया जाए जिससे एक फ़ायदा नहीं कई फ़ायदे निकलते हों और उसका मकसद भी पूरा होता हो फुमा तो कर दीबान अब आया है मेन पॉइंट और वक्त लेने वाला जो आयत है वह आयत अब आई है फ़बी अई ये आला ए रबी को मातो कर दी ये इस आयत को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर 31 बार यानी कि इस सुरह के अंदर 31 बार अल्लाह ताला ने दोहराया है और दोहरा दोहरा करके कहा है कि मेरे इतने एहसानात तुम्हारे ऊपर हैं तुम्हें जो है आ, हम इंसानों को अज़ाब से डराया जा रहा है इंसानों को जो है जन्नत के बारे में ख़बर दी जा रही है उसके बाद हर एक आयत दो आयत के बाद जो है अल्लाह ताला इन इस आयत का जिक्र करता है फबी अ यह आला ए रबी हम सभी इसके इसके तर्जमे और इसके तफसर के लिए इंतजार कर रहे होंगे और इन शाह इसका इसकी तस्र ऐसी होगी कि इन शाह हम लोग को खुशी मिलेगी इससे बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा इसको आप बिल्कुल ध्यान से एक बार सुनिए फबी आई ये आला आला कहते हैं अल्लाह त नमत को आला कहते हैं अल्लाह ताली के एहसान को आला कहते हैं अल्लाह ताली की क़वत यानी कि इसके अंदर आपको चार पाँच माना छुपे हुए हैं और आयात के हिसाब से उसके कन्टेक्स के हिसाब से के इसका माना बदल जाता है हमेशा फेवर नहीं होता है हमेशा जो है उसका माना ब्लेसिंग्स नहीं होता है इसका माना जो है आयात के हिसाब से किस कन्टेक्स में बात चल रही है उसके हिसाब से जो है इसका माना निकाला जाता है तो अब यहाँ आइए इस आयत को यहाँ देखते हैं कि इसका माना क्या निकल रहा है और इसको किस क्यों अल्लाह ताला ने 31 बार दोहराया है इसको फिर एक बार हम लोग जो है जिक्र करेंगे इन श्ला फ़बी अय्य आला ए रबिकमा का तुम फबी अय आला तो किन किन नेमतों का।। ये सब ऊपर अल्लाह तला अपनी नमतों को गिनवा रहा था तो उन नमतों का जिक्र करते हुए अल्लाह तहाँ फरमाया किन किन नेमतों का तो किन किन नेमतों का आला तो किन किन नेमतों का रब्बी कुमा दोनों अपने रब के किन किन नेमतों को चुटलाओगे तो कदीबान तुम दोनों अपने रब के रब सुरफ आते हमें इसका माना गुजर चुका है इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसमें रब का माना मालिक होता है बहुत सारा उसका उसके भीतर माना है तो तमाम मानों को सामने रखते रख करके इसको समझने की कोशिश कीजिए फभि अ ये आला ए कुमा तो तुम दोनों अपने रब के किन किन नियमतों को छुटलाओगे मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसका तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि ये जाकर दिलो दिमाग में बैठ जाए फ़बी अई ये आला ए कुमा तो तुम दोनों में तुम दोनों कौन है आगे सिर्फ इंसान से बात चल रही है खल इंसान इंसान को पैदा किया इंसान को बोलना सिखाया इंसान को उससे पहले पैदा से पहले जो है इंसान को कुरान सिखाया उसके बाद इंसान को बोलना सिखाया उसके बाद फिर अल्लाह ताला का जो एहसान का जिक्र करने के बाद ज़मीन व आसमान का जिक्र किया उसमें तराजू का जिक्र किया यानी कि बैलेंस का जिक्र किया यानी कि बैलेंस को अपनाने के लिए ज़िंदगी गुजारने के टाइम में बैलेंस को अपनाने का जिक्र किया उसके बाद जो है ज़मीनों में जो जनामत अल्लाह ताला ने रखे हैं उस बात का जिक्र किया और उसी तरीके से जो है दिगर बाकी जो अल्लाह ताला के एहसाना है उसका जिक्र किया अब आकर के सारा जिक्र इस इंसान के साथ चल रहा है मगर यहाँ का माना क्या है तुम दोनों का इससे पहले इंसान के अलावा किसी और का जिक्र ही नहीं है इसका माना क्या होगा तो इसमें इख्तलाफ हुआ है इसको समझिए हो सकता है कि किसी और के के मुंह से आप ये सुन सकें फिर उसको गलत ना कह दें इसलिए मैं दो तीन इसका माना मैं लाना चाहता हूँ यहाँ पर रबी कुमा यानी कि तुम दोनों का रब का माना क्या क्या लिया गया है तफासिर में तफसीर की किताबों के भीतर इसका क्या क्या माना लिया गया है मैं वो खुलाना चाहता हूँ ताकि कोई और अगर इसका कोई दूसरा माना कर दे जो आमतौर पर हमारे यहाँ रब इंसान और जिन कहा जाता है उसका एक माना इंसान और जिन भी है क्योंकि आगे जिन का जिक्र आ रहा है मगर आ, इसका माना और क्या क्या लिया गया है तो मैं वो भी बता देना चाहता हूँ फभी ए की अलाब कुमा तो तुम दोनों यानी कि ए मुसलमान गिरो और ए काफिर गिरोह क्योंकि उस वक्त मुसल इंसान दो गिरोह में बढ़ चुके थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे एक मुसलमान का गिरोह था दूसरा काफिर का गिरोह था एक अल्लाह को मानने वाला गिरोह था एक अल्लाह से इनकार करने वाला गिरोह था तो दोनों गिरोह को अल्लाह ताला यहाँ एड्रेस कर रहा है संबोधन कर रहा है और फरमा रहा है फभि एल ए रबात का तो तुम दोनों यानी कि ए मुसलमानों ए काफिरों तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को चुटलाओगे इसका एक माना यह बताया गया है दूसरा माना यह बताया गया है कि ये रब रब कुमार जो है ये इस्तेमाल में सिर्फ आता है मगर ये कहा गया है सिर्फ इंसान से यानी कि ए इंसान हो तुम लोग अपने रब की किन किन नेमतों को चुटलाओगे इसका यह माना भी किया गया है और इसका तीसरा माना यह भी किया गया है कि ए मर्दों और ए औरतों ए मर्दों यानि कि मर्द इंसान का दो ग्रुप है एक मर्द है और एक औरत है तो ए मर्दों ए औरतों तुम अपने रब की किन किन नेमतों को चुटलाओगे मगर ज़्यादातर लोगों ने इसका माना लिया है कि ए इंसानों और ए जिनों तुम लोग अपने रब की किन किन नेमतों को चुटलाओगे ए इंसान की ए, ए इंसान के गिरोह और ए जिन के गोह तुम लोग अपने रब की किन किन नेमतों को चुटलाओगे और ज़्यादातरमा क्राम ने इस मानने को लिया है और इसमें काफिर और मुसलमान का माना भी जो है फ़िट बैठता है क्योंकि उस वक्त जो है मुसलमानों इंसानों का दो गिरोह था एक मुसलमान थे और एक काफिर थे तो दोनों गिरोह से अल्लाह ताला ने यह फरमा रहा है क्योंकि इससे पहले जिक्र क्या किस बात का आ रहा था इंसानों से ही जिक्र हो रहा था और एहसानात का जिक्र हो रहा था तो एहसानात का जिक्र होने के बाद या तो लोग उसको अपनाएंगे मानेंगे या चुटला देंगे तो जो मानने वाले हैं वो उनसे भी कहा जा रहा है जो चुटलाने वाले हैं उनसे भी कहा जा रहा है तो ज़्यादा मजबूत इसमें मुसलमान और काफिर होना है मगर अक्सर उलमा ने जो है यहाँ पर इंसान और जिन को लिया है हालांकि ये थोड़ा दूर का माना माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा दूर है जिन जिन का जिक्र अभी नहीं हो चुका है उसके बावजूद भी आ, सा, सारी राय हमारे सामने मौजूद है हम जिस राय को चाहें अपना सकते हैं सब सही होंगे इन कोई इख्त वाली बात नहीं है चाहे हम जिन और इंसान माने चाहे हम इंसान में मुसलमान और काफिर माने चाहे मर्द और, और औरत माने या सिर्फ़ इंसान माने सभी माना इसके अंदर पाए जाएंगे फभी आइए आलाबिकुमा तो दीबान तो तुम अपने रब की किन किन नमतों को चुटलाओगे आइए देखते हैं कि खूबसूरती इस आयत को दोहराने की खूबसूरती क्या है किस अंदाज़ से इस आयत को अल्लाह ताला ने इसमें दोहराया है जहाँ पे जहन्नम का जिक्र आया है जहाँ पे जहन्नम का और अजाब देने का जिक्र आया है वहाँ सात बार अल्लाह ताला ने फबी आई अला इब तुका दीबान दोहराया है और जहाँ जन्नत का जिक्र आया है वहाँ पर अल्लाह ताला ने आठ बार फबी आई आल इब तुका दीबान दोहराया है सुहा कितनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने इस आयत को भी जो है प्लेसिंग दिया है किस खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इस आयत को रखा है कि इसको समझने में बहुत बहुत मजा आता है जब अजाब का जिक्र हो रहा होता है तो वहां पे अल्लाह ताला सात बार करता है सात बार इसका जिक्र करता है क्यों क्योंकि जहन्नम के सात दरवाजे हैं और जब जन्नत का जिक्र हो रहा होता है तो अल्लाह ताला वहाँ आठ बार इसका जिक्र कर रहा है क्यों क्योंकि जन्नत के आठ दरवाजे हैं सुहानल्ला किस तरीके से खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इसको पिरो के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ा जब पढ़ा जाए तो दिल खुश हो जाता है और उसी तरीके से जब अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है तो वहाँ आठ बार इसका जिक्र किया है यानी कि अगर अल्लाह ताला की नेमतों को अगर हम लोग मानते हैं तो हम लोग जन्नत के आठ दरवाजों में से एक दरवाजों के भीतर जाएंगे इंशाल्लाह और सुभान अल्लाह बहुत बेहतरीन बात है बहुत बेहतरीन अंदाज से जिक्र किया है अल्लाह ताला ने इस बात का तो इसको इकतीस बार अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर दोहराया है इसका एक मतलब ये भी है कि जो काफिर हैं जो मानना नहीं चाहते हैं उनको गच के लिए है उनको उठाने के लिए है नींद से जगाने के लिए है कि भाई अब तो जगो अब तो जगो अब तो जगो इतने एहसाना हो चुके हैं अब तो जगो अब तो जगो ये इस तरीके से उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका दूसरा फ़ायदा हम लोग को ये मिल रहा है कि इस आयत के अंदर पहली मरतबा जब आठ बार जब इसका जिक्र हुआ है तो वहाँ पर अल्लाह के अहसानात के साथ जिक्र हुआ है इसको याद रखिएगा शुरू में आठ बार अल्लाह के अहसनाना के साथ इसका जिक्र किया है अल्लाह ताला ने उसके बाद अल्लाह ताला के अज़ाब का जिक्र किया है अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग और अल्लाह ताल की तरफ से जहन्म भेजने की जो वार्निंग है जो चितावनी है उसके साथ अल्लाह ताली ने सात बार इसका जिक्र किया है फिर उसके बाद आठ सात पंद्रह हो गया और उसके बाद अल्लाह ताली ने आठ बार इसका जिक्र किया है बड़ी जन्नत यानी कि जो ऊपर वाले जन्नत है जो सबसे ज्यादा नेमतों वाला जन्नत है उस जन्नत का जिक्र करने के वक्त में अल्लाह ताला ने जो है वहां भी आठ बार जिक्र किया है फिर दूसरा लेवल का जो जन्नत है उसका जिक्र करने के टाइम में भी अल्लाह ताला ने आठ बार इसका जिक्र किया है तो कुल मिला के हो जाते हैं इकतीस तो जब जन्नत का जिक्र आता है चाहे वो ऊपरी लेवल का हो ऊपर के हिस्से का हो या नीचे का हिस्से का हो तो दोनों हिस्सों के जिक्र के साथ अल्लाह ताला ने आठ आठ बार जो है फबीय आलाबूमत का दीबान को जिक्र किया है और जब जन्नत की जन्नत की बात आती है तो उस वक्त जहन्नम की बात आती है तो उस वक्त अल्लाह तला ने सात बार जो है उसका जिक्र किया है और इसी के साथ साथ जो है जब अल्लाह तला ने अपने एहसानात को गिनवाया है तो उसके साथ अल्लाह तला ने आठ बार इसको गिनवाया है सुबहानल्लाबहान अल्लाह तो क्या ही खूबसूरत तरीके से और क्या ही खूबसूरत अंदाज़ से अल्लाह ताला ने तर यासीन को सजाया है कि इसको पढ़ने के साथ साथ जो है एक ही आयत बार बार रिपीट हो रही है एक ही आयत बार बार रिपीट हो रही है मगर दिल जो है बिल्कुल से बेचैन हो उठता है जब उस इस आयत का जिक्र होता है जब जब अल्लाह ताला ये कहता है कि फभी अगे आला ए रोअमा तो कह दीबान ऊपर एहसान का जिक्र चल रहा होता है फ़ौर आकर के ये आयत आ जाती है कि फभी अग्य आला इब्बिकमा तो का दीबान तो दिल जो है बिल्कुल दहल जाता है बिल्कुल एकदम तड़प उठता है अल्लाह के अल्लाह का, अल्ला का हमद बयान करने के लिए दिल बेचैन हो उठता है और जब अल्लाह ताला का अजाब का जिक्र हो रहा होता है समझ के पढ़िए इसीलिए कहा जाता है कि कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए जब इसका जब जहन्नम का अजाब के बारे में जिक्र हो रहा होता है तो तब फिर जब ये आयत दोहराई जाती है फभी अगे अल्लाबकुमात कर दीबान तो दिल क्या होता है बेचैन हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है अल्लाह ताला से तो ये चीज़ तभी होगा जब हम लोग कुरान को समझ करके पढ़ेंगे अगर इसको सिर्फ हम लोग रटे रहेंगे रटे रहेंगे तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलना है जो फ़ायदा असल मिलना चाहिए जो मकसद पूरा होना चाहिए इसका कुरान का वो मकसद पूरा नहीं होगा इसीलिए तिलावत में भी रखना चाहिए मगर कुरान को समझना उसका पहला मकसद है तिलावत उसका सेकेंडरी मकसद है कुरान का इंजाल का कुरान को ना न करने का पहला मकसद ही यही है कि इसकी इसको समझा जाए इसके अंदर की नेमतों से फ़ायदा उठाया जाए इसके अंदर भी तो है ना एक इसका मकसद यह है कि इसके पर इसके ऊपर अमल किया जाए और इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि इंसान का दिल हमेशा ईमान से जो है खेलता रहता है अगर इसको जो है समझ करके पढ़ा जाए अब इसके इस आयत के अंदर जो है तुका दीबान लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यानी कि झुठलाना झुठलाना किसे कहते हैं किन किन बातों बातों को जुटलाना कहा जाता है अब हम समझेंगे इसमें जुटलाना तीन किस्म का होता है पहले पहली किस्म यह है कि अल्लाह ताला को जुटलाना इस तरीके से कि अल्लाह ताला की नेमतों को जुटलाना इस तरीके से कि ये अल्लाह ताला ने नहीं दिया है ये मैंने खुद कमाया है ये कह करके जुटलाना है जुटलाने की पहली किस्म यह है कि ये ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसका अकेला मालिक मैं हूँ ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है इसे किसी ने मुझे नहीं दिया ये पहली किस्म है जुटलाने का और दूसरी किस्म है जुटलाने का कि इस बात को तो मानते हैं कि अल्लाह ताला ने ही दिया है हम लोगों को ये सारा चीज değer. ये सारी चीजों को अल्लाह ताला ने ही हमें दिया है उसके बावजूद भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते हैं और दीगर दरवाजों पे जो है सर झुकाते फिरते हैं अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते हैं शुक्र का सर अल्लाह के सामने नहीं झुकाते हैं हमद का सर अल्लाह के सामने नहीं झुकाते हैं दूसरों के सामने जो है झुकाने लग जाते हैं ये इसका दूसरा माना है इनकार करने का यानी कि इस तरीके से भी हम लोग जो है अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं और तीसरा माना ये है कि हम लोग समझ रहे होते हैं कि अल्लाह ही नहीं दिया है हम लोग मान रहे हैं इस बात को भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ही को शुक्र अदा करना चाहिए मगर हम लोग नहीं कर रहे होते हैं ये हालत है हम लोगों के आजकल का हम तमाम मुसलमानों का इला माशा माशा इल्ला माशा हम तमाम मुसलमानों का यही हाल है हमें पता है कि अल्लाह ने दिया है हमें पता है कि अल्लाह ताला शुक्र का हकदार है उसके बावजूद हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे होते हैं <णुज़> तो ये हम अक्सर लोगों का हम अक्सर मुसलमानों का ये सूरत हाल है ये सिचुएशन है अल्लाह ताला हमें ऐसे सिचुएशन से बचाए आमीन फमीन फ़ी एल कुमात का दीबान तो ए मुसलमानों काफिर ए इंसानो जिन ए मर्द औरत ए इंसानो तुम लोग अपने रब की किन किन नेमतों को चुटलाओगे इससे मात यहाँ ये समझ में आती है ना कि जब लोग ज़्यादा लग्जरियस हो जाते हैं जब ज़्यादा ऐश की ज़िंदगी जीने लगते हैं तो उसके अंदर जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की जो क्वालिटी होती है वो कम होती चली जाती है इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को ऐश की ज़िंदगी जीने न दें उन लोगों को तकलीफ दिखाया जाए क्योंकि जो तकलीफ़ में होते हैं वो अपने रब को पहचान रहे होते हैं पैसे होने के बावजूद बच्चों को जीने का सलीका सिखाया जाए उनको ऐश की ज़िंदगी नहीं जिन नहीं जीन, जीने नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके अंदर से जो है हमें पता भी नहीं चलेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो क्वालिटी है वो निकल जाएगा आजकल मेर, मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि जो टीनेजर्स हैं सबसे पहले खुदा का जो इनकार करते हैं वो यही लोग हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो जो चाहेंगे वो अपने पैसे से खरीद लेंगे तो उन उन्होंने जो है पैसों को खुदा की जगह रख दिया है इसीलिए उनके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे अल्लाह की किसी भी बात को मानेंगे वो तो सिर्फ पैसे के सामने सर झुकाते हैं और पैसे से ही मांगते हैं जो भी चीज़ मांगना है तो इसीलिए इस तरीके के कोरोना जैसा जो है सिचुएशन अल्लाह ताला लाता है ताकि लोगों के अंदर ये डर आए कि पैसा सब कुछ नहीं है जो लोग पैसे को ही खुदा बना बैठे हैं उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि पैसे के अंदर अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी नहीं रखी है कि अल्लाह ताला आ, की सिफत ले सके पैसा आ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को समझाएँ कि पैसे की अहमियत अपनी जगह पर है मगर पैसा होने के बावजूद भी नॉर्मल लाइफ जीना किसे कहते हैं और नॉर्मल लाइफ जीना सिखाना चाहिए बच्चों को ताकि उनके अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करने की क्वालिटी आए ऐसा ना हो कि ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो लोग जो है अल्लाह का नाफरमान बन जाए क्योंकि आजकल के दौर में मैंने देखा है जो टीनीजर्स हैं मेरा सबका पड़ा है मेरा कंटेक्ट होता है ऐसे लोगों के साथ जो टीनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा अपने रब से फिरे हुए होते हैं और जो तेरह से उन्नीस साल के जो बच्चे होते हैं ना तेरह से उन्नीस साल के बच्चे उनके अंदर जो है अपने रब को ना मानने की जो है ज़्यादा जो नफरत उनके अंदर पाया जाता है वो इसी वजह से है कि लोग जो है उनको ऐश भरी जिंदगी जीने के लिए जो है दे देते हैं क्योंकि पैसा भरा पड़ा है तो ऐश वाली ज़िंदगी गुजारेंगे ही अब आइए अगली आयत की तरफ खलक अल इंसानफा ऊपर जिक्र किया अपनी नेमतों का उसके बाद अल्लाह ताला ने सवाल पूछा कि तुम अपने अरब की किन किन नेमतों को चुटलाओगे अब उसके बाद यहाँ पे जो है दो दो चीज़ों की तख्लीक का जिक्र होने जा रहा है दो चीज़ों का यानी कि एक इंसान और दूसरा जिन इंसान को अल्लाह ताला, ताला ने किस चीज़ से पैदा किया खल़ल इंसान लफ़ इस्तेमाल हुआ है खल याद रखिए हालांकि देखा जाए तो सबसे पहला जो आ, वो आयत है ना आ, उमा الجن वनस अल ليعبدون. उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि मैंने जिन और इंसान को जो है सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है मगर यहाँ पे पहला जिक्र किसका किया जा रहा है यहाँ पहला जिक्र इंसान का किया जा रहा है, है। इससे भी बात पता चलती है कि इस सूरह के अंदर इंसान को फोकस किया गया है इस सूरह के अंदर इंसान ही को ज़्यादा फोकस किया गया है तो ख़ल कल इंसान बिनसान कल्फ ख़ार तो ताला ने यानी कि उसने यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है बिल्कुल सूखी हुई जो मिट्टी होती है मिट्टी जो पानी में भीगने के बाद जो है सूख जाती है जैसे कि पॉट वगैरह होता है ना हमारे यहाँ हम लोग जो वो यहाँ पे जो बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जो होते हैं वो सूख चुकने के बाद जो बना रहे होते हैं तो वो सूख चुकने के बाद जो वो जिस तरीके का होता है उसी तरीके का अगर हम लोग जाएँ रास्ते में कहीं ऐसा ऐसी जगह ऐसे ऐसी जगह हम लोग पहुँच जाएँ जहाँ पर आपको उपजा यानी कि वहाँ खेती वगैरह ना होती हो तो वह उस रास्ते पर जब हम लोग जाएंगे तो वह देखते हैं कि वहाँ पर जो है मिट्टी सूखी उस मिट्टी जो है पानी से भीग करके फिर वो सूख चुकी होती है उसके अंदर की जो नमी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है तो उसके बाद उसका जो हाल होता है उसको एक बार कुछ दिए तो उसमें जो है आवाज आएगी क्यर, क्यर, क्या क्या टाइप की आवाज एक किस्म की आएगी यानी कि एक निशानी होती है कि वो सूख चुकी है तो उस उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने जो है इंसान को पैदा किया है तो ये बताना यहां एक बात ये मकसद है बताना कि तुम लोगों की हैसियत ही क्या है इंसान की हैसियत ही क्या है अल्लाह ताला की नेमतों को जुटलाने की अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को मान रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी ये हैसियत है और अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो तो किस आधार पर नहीं मान रहे हो क्योंकि तुम्हारी यह हैसियत है तुम्हें तो उस मिट्टी से पैदा किया गया है तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें जो है अल्लाह ताला ने किसी बेहतर चीज से बनाना भी पसंद नहीं किया क्योंकि अल्लाह ताला ने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि अल्लाह ताला ने तीन को पैदा किया है मगर आग से आग में वो जो जिससे धुआं ना निकलता हो आग के उस हिस्से से अल्लाह ताला ने तीन को पैदा किया है उस उसके बावजूद जो है तुम लोगों को जो है अल्लाह ताला ने किससे पैदा किया है मिट्टी से पैदा किया है फिर भी तुम जो है घमंड कर रहे हो फिर भी तुम जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी में उतरे हुए हो फिर भी तुम लोग शिर कर रहे हो देता अल्लाह है किसी और से मांग रहे हो देता अल्लाह किसी और का शुक्र अदा करते हो देता अल्लाह किसी और के सामने साथ झुकाते हो तुम लोगों की हैसियत ही क्या है खलकान अल्लाह सूखी हुई मिट्टी से जो है इंसान को पैदा किया कल फार जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं तो ऐसी चीज़ से अल्लाह जो है पैदा किया है तुम लोग की औकात ही क्या है जो तुम अल्लाह ताला के सामने सिनत आन के चलते हो जो तुम अल्लाह ताला की नियमतों को छुटलाते हो तुम लोगों की क्या हैसियत है वह खलकान मारज मार और उसके बाद बताया कि और अल्लाह तुम ने जो है जिन को पैदा किया है एक उस आग से आग के उस हिस्से से जो आपको जिसमें धुआं नहीं होता है बिल्कुल साफ दिख रहा होता है एकदम आर पार दिख तो रहा होता है जिस नीला हल्का नीला जो जब आग हम लोग आग जलता हुआ देखें तो बिल्कुल दहकता हुआ जो आग होता है तो वहां पे हम लोग को कभी कभी हल्का सा नीला हिस्सा भी दिखता है आग जब जल रहा होता है तो उस वक्त हल्का सा नीला हिस्सा भी दिख रहा होता है तो वो नीला हिस्सा दिखता है तो वो आर पार दिखने लगता है तो ये इस बात का इस बात का प्रूफ है यहां पे देखिए कि अल्लाह ताला ने जिन को किन किन नेमतों से नवाजा है मिट्टी से पैदा किया इंसान को वो दिखता है वो नजर आता है वो सब कुछ दिखेगा मगर अल्लाह ने जिन को पैदा किया जिस तरीके से आग आर पार दिखता है आग से उस तरीके से जिन नहीं दिखता है जिन दिखते ही नहीं है उसका भी कोई रूप नहीं है जिन का अल्लाह माफ़ करे अगर मैंने समझने में गलती की है तो मगर इससे ही मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जिस तरीके से आग उस आग का हिस्से से हम लोग आर पार देख सकते हैं उसी तरीके से जिन भी जो है नज़र से ओझल है वो हम लोग की नज़र में नहीं आ रहे होते हैं हम लोग उसको नहीं देख रहे होते हैं और उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो है दूसरी क्वालिटीज़ भी रखी है जैसे कि वो इंसान का रूप भी ले सकता है जानवर को रूप भी ले सकता है यानी कि रूप बदलने की अल्लाह ताला ने ताकत तो उसके अंदर रखा है इंसान इस अंदाज़ से अल्लाह ताला ने उसको बनाया है इतने ज़्यादा ख़ूबियाँ दे दे रखी हैं मगर इंसान को ऐसी ख़ूबियाँ कुछ भी नहीं दी हैं फिर भी इंसान घमंड करता है फिर भी इंसान जो है इतना ज़्यादा गुमराह है तो ये इस बात का इस बात की निशानी है कि इंसान की अपनी हैसियत कुछ नहीं है मगर उसके बावजूद इंसान जो है घमंड करता है उसके बावजूद इंसान अल्लाह के हुक्म से फिर जाता है और उसके बावजूद इंसान जो है अल्लाह ताला से इनकार करने के लिए जो है हाथ से आगे बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला ऐसे सिचुएशन से हमें बचाए इस बात का कर जिक्र करने के बाद कहा फबी एल रिकुमा कर दीबान तो ए इंसानों और जिनों तो ए मोमिनो और काफिरों ए मर्दों औरतों ए लोगों ए इंसानों तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे यहाँ ला करके फिर अल्लाह ताला ने दूसरी बार इसका जिक्र किया है एहसाना जताया है एहसान जताया है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है यही बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है मुर्दा तो नहीं छोड़ा है हमें मुर्दे हालत में पैदा तो नहीं किया या पैदा होने के साथ मार तो नहीं दिया अभी तक ज़िंदा है हम लोग सही सलामत हैं अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही सलामत हम लोगों के जिसमों को रखा है हमारे अंदर जो हम लोग को जिस अंदाज़ से ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने दे रखी हैं इसके बावजूद हम लोग नाफरमानी करते हैं तो ये हम लोग को एहसास इस बात का मानना चाहिए कि अल्लाह तला ने हमें ज़िंदा रखा है हमें पैदा किया है मगर हम हज से आगे बढ़ कर जो है अल्लाह ताली से कु करने के लिए जो है बिल्कुल निडर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं अस्त फिर फ़ुलम तो अल्लाह ताला ऐसे सिचुएशन से हमें बचाए और अल्लाह ताला का ताकत का जिक्र यहाँ हुआ है तो यहाँ पे दोनों माना माना जाएगा एक एहसान भी और दूसरा ताकत भी कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करना यह अल्लाह ताला की ताकत की निशानी है इंसान को पैदा करना उन खूबियों के साथ वो अल्लाह ताला की ताकत की निशान, निशानी है तो अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया जिनों को पैदा किया तो तुम लोग अल्लाह की किन किन ताकतों से इनकार करोगे क्योंकि अल्लाह ताला की तख्लीक अल्लाह ताल के मखलूक में सिर्फ ये नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं तो तुम सिर्फ दो को जिक्र करके अल्लाह ताली यहाँ पूछ रहा है कि तुम अल्लाह ताली की किन किन ताकतों को जुटलाओगे तुम अल्लाह ताली की किन किन नहमतों को जुटलाओगे तो इस तरीके से अगर इसको समझें तो इंशाल्लाह मजा आएगा और आखिर दावा ना अनिल हम्दुलिल्लाह ही रब्बी लालमीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु